दिल और दिमाग ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान को जिंदा करार दिया जाता है। मस्तिष्क की वजह से ही इंसान औरों से अलग पहचान पाता है। अब ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि जिस चीज़ की वजह से हमें अलग पहचान बाकी प्राणियों से मिली है उसे और उसकी बीमारियों के बारे में जाने। तो इसी कड़ी में वीकेबी न्यूज़ ने मस्तिष्क के बारे में दर्शकों को जानकारी देने के लिए न्यूरो सर्जन डॉक्टर सनी जायसवाल से बात की। जानिए कुछ बातें। नमस्कार आप सबको, मैं डॉक्टर सनी जायसवाल न्यूरोसर्जन हूँ और मेरी नज़र में सबसे बड़ी बीमारी तो इग्नोरेंस है कि आप अपने खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने परिवारजनों के हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो मेरी नज़रों में कोई ब्रेन की बीमारी इतनी बड़ी नहीं जो अज्ञानता या फिर इग्नोरेंस को पीछे छोड़ दे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे सब जरूरी है सजग बनना, और आप आज विज्ञान के युग में हैं तो जो भी आपके दिमाग में या दिल में किसी चीज़ को लेकर शंका है उसको दूर कर लीजिए तुरंत तुरंत, ये मैं आपसे कहूँगा। जहाँ तक ब्रेन की बीमारियों के बारे में बात है तो एक युवा पेशेंट को खोना, एक युवा पेशेंट के जान जाना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपने देश में किसी तरह से हेड इंजरी मतलब सिर पे मार लगने से जो मौतें होती हैं वो कम हो पाए तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी। आज हम इस दवाखाने में जानकी न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आए दिन पेशेंट्स को देखते हैं जिनके सिर पे मार लगती है और ब्लीडिंग होने की वजह से हम आज कुछ पेशेंट्स को बचा नहीं पाते। वो पेशेंट्स जनरली युवा होते हैं, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में होते हैं, उनके कई बच्चे छोटे होते हैं, उनकी घर में सब लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं अगर किसी एक बहुत बड़े कारण को ढूंढूं तो वो है शराब का पीना और शराब पी के गाड़ी चलाना। ये दो चीज़ अगर आप इससे बच सकते हैं, मैं आप चैनल्स के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ समाज से कि शराब पी के गाड़ी चलाना एक तरह से जहर पीने जैसा है। आप अपने आप को यमराज की तरफ ढकेलते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। तो मेरे नज़रों में अगर वर्ल्ड ब्रेन वीक या वर्ल्ड ब्रेन डे को अगर हम सेलिब्रेट करें तो एक प्रण लेना चाहिए कि बिना शराब पिए ही गाड़ी चलाएं और अपने एक परिवारजनों को खोने का जो दर्द है उससे आप बचें। तो मेरे नज़रों में सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर काफ़ी चैलेंजिंग है। आज एक बीमारी जिसके बारे में ग्लायोमा जिसको कहा जाता है, मैं उस बीमारी के बारे में कहूँगा कि एक ऐसी बीमारी जिसके ऊपर अभी तक साइंस ने विजय प्राप्त नहीं करी है, और अगर ख़राब बीमारी निकलती है तो स्टेज 4 वाली बीमारी पेशेंट को 11 महीने या 1 साल या 15 महीने में के ऊपर जीने नहीं देती है। तो एक ग्लायोमा जैसी बीमारी मेरी नज़रों में सबसे जटिल और सबसे ख़तरनाक बीमारी है। देखिए, उसका कोई कारण नहीं होता है, उसका कोई कारण नहीं होता है। वो ये ऐसी बीमारी जिसका कोई वजह नहीं है, लेकिन हम अगर इस चीज़ को देखते हैं तो किसी भी एज में किसी भी वक्त हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है, उसका सबसे बड़ा लक्षण होता है सिर दर्द। अगर आप हर सिर दर्द जो 6 हफ्ते से ज़्यादा रहता है उसको आप ठीक तरह से ठीक डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं और अगर आपका सही स्टेज पर बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो आप बहुत बार बच जाते हैं। मैं वही कहूँगा, स्टेज 4 से अच्छा है स्टेज 1 में आके डिटेक्ट होना। स्टेज 1 के पेशेंट आराम से 10 साल ले सकते हैं सही ट्रीटमेंट मिलने। देखिए, CT स्कैन या MRI हमारी बहुत हेल्प करता है। एक पेशेंट जिसको रूटीन दवाइयों के बाद हेडेक कम नहीं हो रहा है तो CT स्कैन या MRI करके ही हम उसको ठीक से पता कर सकते हैं कि वो क्या है अंदर। सर्जरी है सर, इसकी सर्जरी या रेडियोथेरेपी से ही इसको ठीक किया जाता है। सबसे ज़रूरी है कि अंदर का टुकड़ा निकाल के जाँच किया जाए कि ये सही में हुई बीमारी है कि नहीं। और इसके अलावा अभी जो एरा चल रहा है 2022 में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट आ चुका है, लेकिन जैसा मैंने कहा विजय तो पर अपनी की जा सकती है अभी तक। प्रिवेंट करने के लिए सर आप बस प्लास्टिक से दूर रहें, प्लास्टिक के बर्तन में खाना ना खाएं, पॉल्यूशन से बचें, हेल्दी लाइफ स्टाइल रहें, और सबसे ज़रूरी पौष्टिक आहार लें। अपने को खाने में विटामिन की मात्रा बराबर रखें तो हो सकता है आप लोग इस चीज़ से बच सकें, क्योंकि आज से 20 साल या 40 साल पहले के जो लोग थे उनको कभी ये बीमारी नहीं दिखी कि जितनी अभी हो गई है। तो
तो मेरा ये कहना है आपसे, पौष्टिक आहार और संतुलित जीवन ही सबसे ज़रूरी है। देखिए, सबसे ज़रूरी मेरे नज़रों में तो हेलमेट का पहनना, बिना शराब पिए गाड़ी चलाना, और संतुलित भोजन का ग्रहण करना और व्यायाम करना। ये मेरी नज़रों में, न्यूरोसर्जन होने के नाते मैं आपसे कहूँगा कि इन चीज़ों पर ध्यान दें। अगर आप ये चार चीज़ें करते हैं तो आपको कभी मेरे जैसे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और बतानी थी आपको, मुझे एक नोटिस आया है पिछले, मैं जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि एक गरीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है अपने देश में। गरीबी से बचने के लिए लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इतने बुरे समय में कि जब पैसा कमाना इतना मुश्किल है, तो हेल्थ के ऊपर या फिर किसी तरह की इमरजेंसी आने के बाद कई लोग अपनी जान इसलिए खो देते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता। तो मेरा एक अनुरोध है आप सबसे, सरकारी एक योजना है जिसका नाम है जनधन बैंक अकाउंट, उसमें 12 या 20 रुपये का कुछ एक इंश्योरेंस होता है, वो अगर आप करते हैं तो आपको 2,00,000 रुपये तक का एक राशि पेशेंट के बीमार होने पे या लकवा मारने पे या उनके अपंग होने पे या जान जाने पे मिलती है। इस चीज़ का फ़ायदा लोग उठाते नहीं हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं है। आपके माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाए। और आप एक उस आदमी के बारे में सोच के देखिए जिसकी मंथली सैलरी से 2,000 या 3,000 रुपये है, उसको बताया गया कि 2,00,000 का ऑपरेशन करना है, तो अपने कदम पीछे हटा लेता है। तो उस पेशेंट को अगर बचाना हो तो ऐसे समय पे एक सरकारी बीमा, मैं कोई प्राइवेट कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही आसानी से 20 रुपये साल के खर्च करने से बनने वाले बीमे के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक पेशेंट का इलाज करने में आसानी होगी। और एक बात देखिए, एक मैंने कॉमन ऑब्जर्वेशन है, सर मुझे बीपी की दवाई तब तक लेना है जब तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही मुझे अच्छा लगना चालू हुआ, पेशेंट ने ये कहता है कि मैं बीपी की दवाई नहीं लूँगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है पेशेंट के सिर में नस फटने का। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें और बीपी की दवाई रेगुलर लें। जिस तरह आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरह गोली का सेवन रोज़ करना है। आपके एक गलती एक परिवार को अनाथ कर देती है। इस बीमारी से बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि अपनी बीपी की दवाई को रेगुलरली लेना। अगर बीपी की बीमारी आपको है तो उसे घबराए नहीं, क्योंकि एक सिंपल सी दवाई आपको हर एक लंबी ज़िंदगी देगी और डॉक्टर के पास जाने से बचाएगी। सही कहा आपने, बीपी की बीमारी इतनी ख़राब है कि वो पेशेंट को फील होने देती नहीं है कि वो उसके अंदर है। इसीलिए आपका काम है कि आप सही जगह जाके अपना चेकअप कराएं। 50 साल के अगर आप आसपास हैं तो हर 6 महीने में 1 साल में अपना बीपी चेक करा लेना बहुत ज़रूरी, और डॉक्टर जो आपसे कहता है वो दवाई आपको लेना चाहिए। बस यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि इन बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका इसका प्रिवेंशन। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।